कश्मीर में बदले हालात के मद्देनजर इस वक्त हर कोई जिज्ञासा की स्थिति में है। घाटी के फंटर लोगों की तस्वीर टिकते हुए प्रश्नवाचक मुद्रा में चारों तरफ देख रही है कि कहीं मोदी का बड़ा खेल उनकी तस्वीर तोड़ने के लिए तो नहीं हो रहा है। कल तक जो लोग भारत की तरफ आंखें लाल करके देखते थे, अब तस्वीर बचाने की जद्दोजहद में अपने रहनुमाओं के दरवाजों पर लाइन लगाए खड़े हैं। कमाल की बात यह है कि मोदी शांत है और घाटी के अलगाव प्रेमी अशांत। मगर बावजूद इसके यह घाटी में आजादी के बाद का सबसे सख्त मोदी कदम है। यहां क्या खेल खेला जाएगा इसका पटाक्षेप जल्दी ही हो जाएगा। मगर ताजा स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने तहमद कसने जरूर शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में चंद दिनों में केंद्र सरकार ने जिस तरह अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है उससे पाकिस्तान दहशत में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक पाक सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की जा रही है। लड़ाकू विमानों के बेड़े को सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर लिए जा रहे फैसलों की जानकारियां सीमा पर पहुंच रही है। पाक को आशंका है कि भारत सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठा सकती है जिससे कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह अलग बात है कि मदरसा पैदाइश भारत सरकार की योजना समझने में नाकाम है। वह केवल चौराहे पर खड़े होकर बस अनुमान लगा रहे हैं। शायद इसी जल्दबाजी में शाम होते होते इन्होंने उधार के निकर पहनी अपनी पाक सेना को सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के आका लगातार बैठ के करके आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान की संभवतः यही प्लानिंग है कि अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो उसी समय पाक सेना कई मोर्चों से सीमा पर गोलीबारी या फिर कुछ क्षेत्रों में हवाई हमले कर सकती है। इसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पाक सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारी 2 दिन से सीमा पर मौजूद है। कुछ दिनों से जम्मू के पुंछ से लेकर उरी गुरेज आदि क्षेत्रों में सीमा पर हो रही गोलाबारी पाक सेना की रणनीति का ही हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे पाक सेना और पाक की खुफिया एजेंसी को यही लग रहा है कि वह नाजुक समय में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर लाभ उठा सकते हैं। इसी सोच को लेकर पाक सेना ने तोपखाना भी सीमा के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी रेंज में राज्य के कई शहर और गांव है। पाक सेना युद्ध के लिए रात के अंधेरों में रिहर्सल कर रही है। इन मुगल छाप को लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति अचानक से घाटी में उत्पन्न हुई है उससे भारत के साथ उनका युद्ध हो सकता है, यानी बर्तन हमारे खड़के पर फट पड़ोसी की रही है। पाकिस्तान भारत की सीमा पर जिस प्रकार हवाई हमलों की रणनीति बना रहा है उससे पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जानकार ऐसा भी कह रहे हैं कि इस छुचंदर और कंगले मुल्क को लग रहा है कि सीमा पर अपने तोपखाने और युद्धक विमानों को खड़ा करने से भारत पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे वह कश्मीर को लेकर वांछित निर्णय नहीं ले पाएगा। पर यह मोदी सरकार है जिस देश ने डोकलाम मुद्दे पर चीन के गले से नीचे हाथ डालकर उसकी पेट की आंतें निचोड़ दी, उधार पर पली पाक सेना की गिदड़ भभकी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। बड़ी बात यह है कि कल तक भारत को धमकी देने वाली महबूबा का खरबूजा फट गया है, अब वह हाथ जोड़कर अपील कर रही है। मतलब गन्ने का रस कितने दबाव पर निकलता है इसका अंदाजा महबूबा मुफ्ती के चेहरे के बदले रंग को देखकर लगाया जा सकता है। श्रीनगर के लाल चौक पर खड़े होकर पत्थरबाजी करने वाले गद्दार मुल्ला अब सड़कों पर इधर उधर भाग रहे हैं। ATM पेट्रोल पंप पर लोग लाइन लगा रहे हैं। दुकानों से जरूरी सामानों को इकट्ठा किया जा रहा है। महबूबा की चिंता यही है कि सरकार केवल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि कश्मीरियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वैसे कश्मीरी पंडितों को भी एक वक्त उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया था। थोड़े दिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को भी उस परिस्थिति से आत्मसात होने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि घाटी में 38,000 अर्धसैनिक बल भेज चुकी केंद्र सरकार अभी 12,000 सुरक्षा बलों को और भेजने पर विचार कर रही है, यानी कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे की घेराबंदी करने की बड़ी प्लानिंग है। सरकार घाटी का कोई घर नहीं छोड़ना चाहती जिसके बाहर सैनिक मौजूद नहीं हो। मतलब आजादी के बाद मोदी सरकार का घाटी में यह सबसे सख्त कदम है। दक्षिण कश्मीर में पहले ही धारा 144 लगी हुई है। यहां पर इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह बंद हुई पड़ी है, जिससे पाकिस्तान प्रस्तों के तहमदों से हवा आर पार होना बंद हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि घाटी में मौजूद पाकिस्तान प्रस्त
अपने रहनुमाओं से मदद की अपील कर रहे हैं, पर पाकिस्तान खुद दुनिया से मिली भीख पर निर्भर है। उसने सीमा पर कर्ज की सेना को भेजकर तहमद उछालने का ढकोसला मात्र किया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो वह एक बड़ा गिफ्ट भारत की जनता को पेश करेंगे। वैसे भी जब से मोदी ने मैन वर्सेज वाइल्ड में काम किया है, वह जंगली सूरों को काबू करने के हुनर में और भी अधिक पारंगत हुए हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।